एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से टॉपिक होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन लास्ट ईयर में आए हुए हैं। ज़्यादातर हम उन्हीं पे हमारा फोकस रहता है, उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। और कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आपको याद रखनी है एनाटॉमी से, जो पेपर में आ सकती है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, एम्स भुवनेश्वर 2018 में ये पेपर हुआ था। तो देखो लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी की वो क्या है, वो है लीवर। आपको याद रखना है लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, लेकिन लीवर एक्सोक्राइन ग्लैंड है, डक्ट्स रखती है अपने पास। अगर वो पूछे एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे बड़ी कौन सी, तो आंसर क्या जाएगा, थायराइड ग्लैंड, जो नेक पे होती है। ठीक है, अगर वो बोले स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो पीनियल ग्लैंड। अगर वो बोले स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन, अगर वो बताए आपको कि एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो फिर आंसर जाएगा ग्लोबलेट सेल या ग्लोबलेट ग्लैंड। ठीक है, एक और ग्लैंड मिक्स ग्लैंड, जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, उसका नाम है पैनक्रियास। ठीक है, और लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी आपसे पूछ ले, तो आंसर क्या जाएगा, स्किन। तो इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट से मैंने करा दिया, अगर पेपर में इनमें से भी कोई आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरोक्सिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। तो देखो थायरोक्सिन हार्मोन थायरॉइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। कहाँ से सिक्रीट होता है, थायरॉइड ग्लैंड से। थायरॉइड ग्लैंड जो कि नेक पे सिचुएटेड है, उसके अंदर होते हैं थायरॉइड फॉलिकल्स, थायरॉइड सेल्स। और ये थायरॉइड सेल्स T3 एंड T4, ठीक है, थायरोक्सिन इज ए T4 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन इज ए T3 हार्मोन सिक्रीट करती हैं। और ये दोनों हार्मोन आपके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये इनका काम है। इसके अलावा थायरॉइड ग्लैंड में एक टाइप की और सेल होती है, जिनको बोलते हैं सी सेल। ये सी सेल कैल्सीटोनिन को रिलीज करती है, और जब भी आपकी बॉडी में कैल्सीटोनिन रिलीज होगा, ये आपके ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम करने के काम में आएगा। ठीक है, आपको नॉर्मल कैल्शियम का लेवल याद होना चाहिए, 8.62, 10.2 mg/dL। ठीक है, आजकल बुकों में ये वैल्यू अपडेट कर दी गई है, तो नई जो वैल्यू है वो 9 से स्टार्ट हो रखी है, 9 to 11। ठीक है, 9.5 to 11, तो वो भी सही रहेगा, ये भी सही रहेगा। ठीक है, दोनों आपको याद रखने। तो ये नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल है। ठीक है, 8 से 10, 10 के आसपास एवरेज आपके कैल्शियम रहेगा। अगर ये कम होता है, ये 8.6 से कम हो जाए कैल्शियम का लेवल, तो आप उसको बोलोगे डिक्रीज कैल्शियम, हाइपोकैल्शीमिया। ठीक है, कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपो कैल्सीमिया। और हाइपो कैल्सीमिया कराने के लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है, वो है कैल्सीटोनिन। ठीक है, जो सी सेल से रिलीज होगा, और सी सेल प्रेजेंट होगी थायरॉइड ग्लैंड के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। UPNHO NHM का जो एग्जाम हुआ है 2022 का, उस एग्जाम में क्वेश्चन आया था मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड क्या है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है टेस्टिस, जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन रिलीज करती है। और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, उसका नाम है ओवरी, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन रिलीज करती है। मेल जो रिप्रोडक्टिव टेस्टिस जो रिलीज करते हैं, उनको बोलते हैं टेस्टोस्टीरोन। टेस्टिस क्या रिलीज करेगी, टेस्टोस्टीरोन्स। टेस्टोस्टीरोन्स जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है वो रिलीज करेंगे। और फीमेल्स के अंदर जो ओवरी है वो क्या रिलीज करती है, वो करती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोन हार्मोन को सिक्रेट करेगी। ठीक है, तो ये इनके बारे में था। और स्कॉटम जो भी लिखा हुआ है इसमें, स्कॉटम है कवरिंग, टेस्टिस की कवरिंग को स्कॉटम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनिबिट रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला एक हार्मोन है। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाएगा तो बॉडी में ये कम कैसे होगा, तो इसके खिलाफ सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है वो इसको कम करेगा। ठीक है, ऐसे ही प्रोलेक्टिन जो हार्मोन है, प्रोलेक्टिन हार्मोन जो कि मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन है, ठीक है, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। इसका मेन इफेक्ट मिल्क प्रोडक्शन, मेन काम मिल्क प्रोडक्शन है। अगर बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा, तो बॉडी इसके साथ दूसरा हार्मोन रिलीज करेगी जो इसके लेवल को कम करेगा, वो है डोपामिन। ठीक है, डोपामिन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रोलेक्टिन के। तो डोपामिन बढ़ता है तो आपकी बॉडी में प्रोलेक्टिन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, तो जब आप मिल्क प्रोडक्शन को रोकना होता है, ठीक है, ऐसी मेडिसिन जो मिल्क प्रोडक्शन को, डोपामिन एंटागोनिस्ट यूज करनी होती है। ठीक है,
तो ऑक्सीट नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटॉक्सिन इज मेनली इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन? ऑक्सीटॉक्सिन का क्या काम होता है? तो देखिए, ऑक्सीटॉक्सिन आपकी मसल्स पे काम करता है, और ये दो स्ट्रक्चर्स, बॉडी के दो स्ट्रक्चर्स पे काम करता है, ब्रेस्ट और ब्रेस्ट पे और यूट्रस पे। और ब्रेस्ट पे जब ये काम करेगा तो ये लैक्टेशन का काम करेगा, मिल्क को इजेक्ट करने का काम करेगा, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स इसी के कारण आता है, ऑक्सीटॉक्सिन के कारण। और दूसरा, ये अगर यूट्रस पे काम करेगा तो यूट्रस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डिलीवरी में हेल्प करेगा। तो इसके जो दो मेन काम है वो है चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है और लैक्टेशन में हेल्प करता है ना। तो ये ऑक्सीटॉक्सिन के मेन दो काम रहेंगे, मेन दो फंक्शन रहेंगे। ऑक्सीटॉक्सिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। दो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं। अभी पूरी लिस्ट हम पढ़ेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन रिलीज होते हैं सिर्फ, उसका नाम क्या है? ऑक्सीटॉक्सिन, और दूसरा है एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको आप वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हो। ये दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है? रिलीज होने का काम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, बनने का काम ऑक्सीटॉक्सिन, सॉरी, हाइपोथैलेमस से होता है, ठीक है? तो प्रोडक्शन तो होगा हाइपोथैलेमस के अंदर, और हाइपोथैलेमस से जस्ट नीचे है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां जाके स्टोर होएगा और वहीं से रिलीज होगा। ऑक्सीटॉक्सिन का ब्रेस्ट पे काम है और यूट्रस पे काम, उनकी भी मसल्स पे। और ब्रेस्ट पे अगर काम करेगा तो मिल्क इजेक्शन करेगा, मिल्क फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन है उसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। और देखो, ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, लेकिन प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ऑक्सीटॉक्सिन का काम है मिल्क इजेक्शन, मिल्क को बाहर निकालना, और इसका काम है मिल्क को फॉर्मेशन करना। दोनों बातों में अंतर है, ठीक है? तो सारी इससे रिलेटेड मैंने पॉइंट बता दिए। ये ऑक्सीटॉक्सिन हेल्प करता है डिलीवरी में यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवा के। तो ये इससे रिलेटेड सारी कंसेप्ट बता दी मैंने, ऑक्सीटॉक्सिन एडीएच से रिलेटेड। एडीएच का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी है, ये आपके शरीर में वाटर रीएब्जॉर्प्शन का काम करेगा, वाटर रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है, यूरिन आउटपुट को कम करता है मतलब, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भी इससे रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन है। ये इग्नू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम था 2019 का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। हमने सारे वो क्वेश्चन कवर किए हैं ज़्यादातर जो किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस का करने का अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है। फ्यूचर में भी इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे। 2022 का भी इसमें क्वेश्चन है, 2019 का भी है, 18 का भी है। तो 4-5 साल में जो भी रिपीटेड क्वेश्चन रहे हैं सिर्फ एंडोक्राइन के सिस्टम से, और कवर किया है एनाटमी और फिजियोलॉजी उसकी, तो उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमने डालने हैं, ठीक है? तो मिल्क इजेक्शन के लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन? तो मैंने आपको अभी अभी बताया, ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो मिल्क इजेक्शन के लिए जिम्मेदार है। मिल्क प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है? वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये ऑक्सीटॉक्सिन ब्रेस्ट पे और यूट्रस पे काम करता है, दोनों की मसल्स पे काम करता है, दोनों की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वहां से तो मिल्क इजेक्ट होता है, और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो चाइल्ड बर्थ या चाइल्ड डिलीवरी कराने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से दोनों का रिलेटेड मैंने फंक्शन आपको बता दिया। चलिए, ये मैंने बता दिया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट ग्लूकोकोर्टिकोइड्स? ठीक है, एम्स पटना 2020 में जो पेपर हुआ था इसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है? चलिए, एड्रीनल ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी है, एड्रीनल, रीनल के ऊपर जो एड है, रीनल होता किडनी, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड एड है, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड एड है उसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। सुप्रा होता है सुपर, ऊपर, सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, तो क्योंकि ये किडनी के ऊपर ग्लैंड सिचुएटेड है इसलिए इसको बोलते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड। और ये ट्रेंगुलर शेप की होती है, ऐसी शेप की होती है, ट्रेंगुलर शेप की होती है, एड्रीनल ग्लैंड की बात हो रही है। नंबर में दो होती है, दो किडनी है तो दो ही एड्रीनल ग्लैंड होती है। ये जो एड्रीनल ग्लैंड है इसके दो हिस्से, जो आपको डार्क अंदर का हिस्सा नजर आ रहा है वो है मेडुला, मिडल में, जो बाहर का हिस्सा नजर आ रहा है कॉर्टेक्स, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। आउटर जो एरिया है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, जो लाइट कलर का होगा। इनर साइड का जो एरिया जो डार्क कलर का है उसको आप बोलोगे मेडुला, ऐसे भी याद रख सकते हो, एम फॉर मेडुला, एम फॉर मिडल, जो मिडल में प्रेजेंट है उसको बोलोगे मेडुला, जो आउटसाइड का प्रेजेंट है उसको बोलोगे कॉर्टेक्स, ठीक है?
ऐसे ही और भी कई ऑर्गन है जिनका ऐसे ही डिवीजन है। आउटर पार्ट को आप कोर्टेक्स बोलते हो और इनर पार्ट को मेडुला बोलते हो। जैसे किडनी, किडनी के भी दो पार्ट्स होते हैं, आउटर पार्ट और इनर पार्ट। इनर पार्ट को आप मेडुला बोलते हो, आउटर पार्ट को आप कोर्टेक्स बोलते हो। इसी तरीके से ओवरी, ओवरी में भी दो पार्ट्स होते हैं, आउटर पार्ट कोर्टेक्स, इनर पार्ट मेडुला। इनर पार्ट्स के अंदर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, वो सभी चीज़ें होती है, और बाहर के साइड में इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं। ये जो आउटर लेयर है, जो कि आउटर एरिया है, जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, इस कॉर्टेक्स के अंदर तीन लेयर्स होती हैं। ठीक है, इस कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर तीन लेयर है। जो सबसे आउटर लेयर है, बाहर की साइड जो लेयर है, ये ग्रे टाइप की जो नज़र आ रही है आपको, ये जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स का आउटर पार्ट है, जिसको बोलेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा जूम करूँ। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा ये आउटर मोस्ट लेयर है किसकी? एड्रिनल कॉर्टेक्स की। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा। दूसरी लेयर जो इससे मिडल लेयर है उसको बोलते हैं जोना फैसिकुलेटा। सबके आगे जोना जोना लगेगा। ठीक है, जैसे आपको सोना मोना याद रहता है, वैसे आपको जोना जोना याद करना है। ठीक है, ग्लोमेरुलोसा, दूसरे का नाम फैसिकुलेटा, और तीसरी लेयर का नाम है रेटिकुलेटा, GFR। आपको सिक्वेंस से याद रखना है, GFR ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट होती है, उसी से आपको याद रखना है, GFR ग्लोमेरुलोसा फैसिकुलेटा रेटिकुलेटा। जैसे आपको इनकी सीक्वेंस याद हो जाएगी, आउटर मोस्ट में होगा जी, मिडल में होगा एफ, और फिर लास्ट में होगा आर, इनर मोस्ट। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा इनर मेडुला, जो एड्रेनल मेडुला है, इनर साइड का मेडुला वो। ठीक है, अब ये इनके आगे, सबके आगे जोना आएगा। जैसे आपको सोना मोना बाबू याद रहते ना, वैसे जोना भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा, तीनों लेयर्स आपको याद हो गई। अब ये जो लेयर है, ये अलग अलग ग्रुप के हार्मोन को रिलीज करती है। जो फर्स्ट लेयर नज़र आ रही है आपको, जोना ग्लोमेरुलोसा, ये मिनलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन रिलीज करती है। ग्लोमेरुलोसा मिनलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन याद रखना पड़ेगा, GM। ठीक है, सोना मोना को आप गुड मॉर्निंग बोलोगे सुबह सुबह, तो ग्लोमेरुलोसा जो लेयर है वो मिनलोकोर्टिकोइड्स रिलीज करेगी, GM। ग्लोमेरुलोसा रिलीज करती है मिनोकोर्टिकोइड्स, और फैसिकुलेटा रिलीज करती है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। मेनली दो ही हार्मोन यहाँ से सिक्रेट होते हैं, कुछ ये एंड्रोजन भी हैं, मेन तो यही है। तो मिनोकोर्टिकोइड्स और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन सिक्रेट्स होते हैं, जो आपके शरीर में मिनरल्स का लेवल मेंटेन करेंगे मिनोकोर्टिकोइड्स, जो ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करेंगे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकोइड रिलीज होंगे ग्लोमेरुलोसा से, फैसिकुलेटा से रिलीज होंगे मिनोकोर्टिकोइड्स रिलीज होंगे ग्लोमेरुलोसा से, और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स रिलीज होंगे फैसिकुलेटा से। ठीक है, ये जो मिनोकोर्टिकोइड्स है, ये आपके शरीर में मिनरल्स का लेवल मेंटेन करने वाले हैं। ठीक है, और मिनरल्स का लेवल मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन है? एल्डोस्टीरोन। कौन सा हार्मोन है? एल्डोस्टीरोन। तो एल्डोस्टीरोन हार्मोन एक मिनोकोर्टिकोइड्स हार्मोन है, जो रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट की जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर से। ठीक है, और ये आपके शरीर में क्या करता है? ये आपके शरीर में मिनरल्स का लेवल मेंटेन करता है। अभी आगे पढ़ेंगे इसको कि कौन कौन से कैसे मिनरल्स को कम करता है, ज़्यादा करता है। दूसरा, जोना फैसिकुलेटा ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन रिलीज करता है, ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलीज करता है जो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ग्लूको इज रिलेटेड टू ग्लूकोज, कोर्टी इज रिलेटेड टू कॉर्टेक्स, क्योंकि कॉर्टेक्स पार्ट से रिलीज हो, इसलिए बोला कोर्टी। कोइड वर्ड रिलेटेड टू स्टीरोइड, स्टीरोइड कोइड। तो ये स्टीरोइड्स हार्मोन ग्लूकोज का लेवल जो बैलेंस करेंगे, कॉर्टेक्स लेयर से रिलीज होंगे, इसीलिए इनको ग्लूकोकोर्टिकोइड्स बोलते हैं, इसलिए इनको मिनोकोर्टिकोइड्स बोलेंगे। ये तीन चार टाइप के होते हैं, कोर्टिसोल, कोर्टिकोसोन, कोर्टिसोन, ये अलग अलग टाइप के हार्मोन है। कोर्टिकोस्टीरोन अलग अलग टाइप के हार्मोन रिलीज करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है कोर्टिसोल। कौन सा है? कोर्टिसोल, फर्स्ट नंबर पे जो लिखा हुआ है। एल्डोस्टीरोन मिनोकोर्टिकोइड्स हैं, उसके अदर नहीं है। जोना रेटिकुलेटा, जो कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होगा, एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन, जो फिर आपके शरीर में डाईहाइड्रोजन हाइड्रोस्टीन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, जो फर्दर फिर मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को स्टूमुलेट करेगा। ठीक है,
इस तरीके से अलग अलग हार्मोन रिलीज होते हैं अलग अलग लेयर से, मैंने सारा आपको बता दिया है। उसके अलावा जो एड्रिनल मेडुला है, मेडुला वाला पार्ट है, मिडल पार्ट है, ये स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करता है, जैसे एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, जिसको आप एड्रिलिन, नॉन एड्रिलिन बोलते हैं, ये हार्मोन भी रिलीज करता है। ये हार्मोन भी होते हैं और न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी होते हैं। फिलहाल अगर ये एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट से रिलीज होंगे तो आप इनको क्या बोलोगे, इनको बोलोगे आप हार्मोन, और हार्मोन का नाम है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस की कंडीशन में इनका लेवल घट और बढ़ जाता है, और ये अपने आप बॉडी के अलग अलग फंक्शन को मेंटेन करके आपके स्ट्रेस को लेवल को कम करने के काम में आएंगे। ठीक है, इस तरीके से इससे रिलेटेड मैंने सारे पॉइंट बता दिए। हमारा पेपर का क्वेश्चन था एम्स पटना 2020 में कि एड्रिनल ग्लैंड ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन कहाँ से सिक्रेट करेगी। ठीक है, तो देखो मिनोकोर्टिकोइड्स रिलीज होते हैं ग्लोमेरुलोसा से, और ग्लूकोकोर्टिकोइड रिलीज होते हैं फैसिकुलेटा से। तो आंसर क्या जाएगा, ग्लूको जोना फैसिकुलेटा। ठीक है, क्लियर है भाई सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके लिए आपको याद रखने पड़ेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसकी ट्रिक है फ्लैग टॉप। ठीक है, क्या ट्रिक है, फ्लैग टॉप। इससे आपको याद हो जाएंगे सारे नाम फ्लैग से। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एल से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ए से ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, जी से ग्रोथ हार्मोन, टी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओ से मेलानो, ओ वर्ड इसमें थोड़ा सा प्रोमिनेंट है, तो मेलेनोसाइट्स। ठीक है, तो मेलेनोसाइट्स से जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा उसकी बात हो रही है। और नेक्स्ट पी से प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये अलग अलग टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनका मैंने बता ही दिया था आपको, दो होते हैं वो, ऑक्सीटॉक्सिन और ADH, जिसको आप वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हो। तो वो रिलीज होते हैं आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। बाकी ये ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ये सभी रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। पेपर वाले ने पूछा कि नॉट सिक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो हमें ढूंढना है कि उसके अलावा, तो उसके अलावा आंसर जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो रिलीज होगा किससे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंसिस्ट मेनली ऑफ, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड खुद हार्मोन सिक्रेट नहीं करती, खुद बनाती नहीं, वो बनाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस फिर न्यूरो जंक्शन से, न्यूरो वेसल्स के द्वारा उन सेक्रीशंस को भेज देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, जिसको आप न्यूरोफाइसिस भी बोलते हो, और वहाँ से फिर ये हार्मोन रिलीज होके आपकी बॉडी में सर्कुलेट होंगे, जहाँ इनका फंक्शन वहाँ काम करेंगे। अगर ये ऑक्सीटोक्सिन है तो ये काम करेगा यूट्रस पे और ब्रेस्ट पे, अगर ये ADH है तो ये काम करेगा किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर इसके रिसेप्टर्स होते हैं, ADH रिसेप्टर, वहाँ पे जाके ADH अपना काम करेगा। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टी सेल, बीटा सेल, सी सेल, इससे नहीं होता, न्यूरोनल जंक्शन प्रोजेक्शन यहाँ से देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, टी सेल्स तो टी लिम्फोसाइट्स को बोलते हैं, WBC की ही एक टाइप है। बीटा सेल्स आपको पता है पैनक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन रिलीज करते हैं उनको बीटा सेल्स बोलते हैं। सी सेल ये थायरॉयड ग्लैंड के अंदर होती है और कैल्सिटोनिन को रिलीज करती है। तो ये अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग जगह है। ठीक है, राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्लैंडुलर टिश्यू कैंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन तो एनाटॉमी का नहीं है, लेकिन फिर भी एक आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है, पेपर में कभी भी आए कि ग्लैंड का कैंसर, किसी भी ग्लैंड का अगर कैंसर हो जाए तो उसे एडिनोमा बोलते हैं, वैसे तो एडिनोमा, ठीक है, और एडिनो कार्सिनोमा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एडिनो वर्ड यूज करते हैं हम ग्लैंड्स के लिए। तो कभी भी पेपर में ग्लैंड रिलेटेड कोई कैंसर आए तो वहां पे आपको एडिनो वर्ड सर्च करना है, एडिनो रिलेटेड जो भी वर्ड होगा वही आपका राइट आंसर होगा। फिर वो उसकी अलग अलग टाइप होती है फर्दर, फिर सिंपल क्वेश्चन में अगर आएगा, एनाटॉमी टाइप में आएगा, अगर इजीली आएगा तो फिर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो एम्स पटना 2020 में आया है। तो ग्लैंडुलर कैंसर को एडिनो कार्सिनोमा बोलो। ये क्वेश्चन फिर आगा, MSc पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। MSc नर्सिंग का जो एग्जाम होता है
उसमें ये क्वेश्चन आया था 2019 में, ठीक है। उन्होंने दिया है कि मिल्क प्रोडक्शन कौन करता है, तो आपको पता है कौन करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन करता है और मिल्क इजेक्शन का काम ऑक्सीटोक्सिन करता है, एडीएच वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। तो सारे मैंने बता दिया, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, फ्यूचर में भी आ सकता है, इसलिए याद होना चाहिए, ईजी क्वेश्चन है, इजिली याद होना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फंक्शन ऑफ इंसुलिन, ठीक है, एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दो। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो इसका फंक्शन नहीं है इंसुलिन का, बाकी सभी काम इंसुलिन के। इंसुलिन का काम बेसिकली शरीर के अंदर ग्लूकोज के लेवल को, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना, और ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में बढ़ाता है, तो इसलिए ये आंसर नहीं है, बाकी सभी आंसर है। ये सभी आपके शरीर में इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करेंगे किसी न किसी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन या एडीएच, एडीएच को ही वैसोप्रेसिन बोलते हैं, तो एडीएच आपके शरीर में सबसे ज़्यादा सिक्रेट होने पे कौन सी डिजीज होगी, समझो एडीएच। तो एडीएच का पूरा कंसेप्ट समझो, एडीएच अगर बढ़ता है तो प्रॉब्लम होती है SIADH, सिंड्रोम ऑफ इन अप्रोप्रिएट एडीएच, और एडीएच अगर घटता है तो उससे प्रॉब्लम होती है डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। एडीएच रिलेटेड दो कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, दो पॉइंट्स याद रखने हैं, एडीएच बॉडी में बढ़ेगा तो कोज करेगा SIADH, आपको याद होगा आई से याद होगा, आई फॉर इंक्रीज एडीएच, ठीक है, आई फॉर इंक्रीज एडीएच। और डायबिटीज तो दो टाइप का होता है, डायबिटीज मेलाइटिस और डायबिटीज इंसिपिडस, इन दोनों में किसी ना किसी चीज़ की कमी होती है, उसमें कमी होती है इंसुलिन की, इसमें कमी होती है एडीएच की, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसमें कुछ ना कुछ कम होगा, और डायबिटीज़ के केस में एडीएच कम होता है, एडीएच होता है। अब एडीएच कम होगा ज़्यादा होगा वो आपको याद रहेगा कि डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, तो मेलाइटिस में इंसुलिन डिक्रीज होता है और इंसिपिडस में एडीएच डिक्रीज होगा, ऐसे आपको याद रह जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वैसोप्रेसिन एक्सेसिव, तो वैसोप्रेसिन एक्सेसिव होता है बी, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच, आई एडीएच भी लिखा हुआ मान, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो ना इसको, SIADH, तो आई से याद रखो आई फॉर इंक्रीज एडीएच, ठीक है, तो वैसे भी आपको याद हो जाए। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केलेटन मैचुरेशन ऑफ फिटस, बच्चे के जो स्केलेटन सिस्टम है उसके मैचुरेशन के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन है, ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टोन ये नहीं है, ये थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये जिम्मेदार है किसके लिए, बच्चे के स्केलेटन मैचुरेशन के लिए, ठीक है। NHMCHO MPCHO का एग्जाम हुआ था 2020 के अंदर, उसने दिया था कि द हार्मोन सिक्रेटेड बाय आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस आपके पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है, पेनक्रियाज का ही पार्ट है और ये सबसे ज़्यादा टेल हिस्से में होता है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया कि आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस स्ट्रक्चर्स हैं जो कहाँ होते हैं, पहली बात पेनक्रियाज में होते हैं। अब पेनक्रियाज के अलग अलग पार्ट, तो पेनक्रियाज का जो टेल पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा आपको आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस मिलेंगे। एग्जामिनर का क्वेश्चन है कि वो क्या सिक्रीट करते हैं, तो देखो लैंगरहैंस के अंदर होती तीन टाइप की सेल, अल्फा बीटा और डेल्टा, ठीक है, पहले मैंने बताया आपको, अल्फा सेल रिलीज करती है ग्लूकोगन, बीटा सेल रिलीज करती है ये रहा ना, हाँ, अल्फा सेल दो पार्ट्स होते हैं, चलो पेनक्रियाज जो है उसके दो पार्ट्स हैं, एंडोक्राइन पार्ट जो हार्मोन रिलीज करती है, एक्सोक्राइन पार्ट जो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज ट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिन वो रिलीज करती है, एंडोक्राइन जो पार्ट है जो हार्मोन रिलीज करती है, ये तीन सेल्स से रिलीज होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, ठीक है, गामा नहीं होता इसमें कहीं, तुम रट लो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और डेल्टा। अल्फा सेल रिलीज करती है ग्लूकोगोन, और ये ग्लूकोगोन का मेन कंसेप्ट आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना है, इसका काम क्या है आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना। ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने के लिए कई सारी टेक्निक्स हैं उनके पास, उसमें से एक टेक्निक है जो ग्लूकोगोन है, ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, उसको टूट तोड़ देगा, और तोड़ के क्या बना देगा ग्लूकोज, तो ऐसे शरीर में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, जो स्टोरेज ग्लूकोज है उसको तोड़ के एक्चुअल ग्लूकोज बना दिया और ये ब्लड में इंक्रीज कर देगा ग्लूकोज का लेवल। उसके अलावा बीटा सेल रिलीज करती है इंसुलिन, जो आपके ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है ब्लड टू सेल्स, कहने का मतलब कहीं ना कहीं ग्लूकोज के लेवल को कम करता है ब्लड में इंसुलिन, और ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है ग्लूकोगोन, ठीक है।
और डेल्टा सेल इसके लेवल को मेंटेन करता है, ग्लूकोगन और इंसुलिन के लेवल को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है, वो है डेल्टा सेल्स की। ठीक है, एक्सोक्राइन पार्ट मैंने बता दिया, वो पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है। नेक्स्ट द रोल ऑफ एल्डोस्टीरोन एनएचएम सीएचओ एमपी मेन 2020 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, और एल्डोस्टीरोन का रोल क्या है? तो देखो, एल्डोस्टीरोन मैंने बता दिया था आपको, एल्डोस्टीरोन एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला एक हार्मोन है, और एल्डोस्टीरोन जब भी आपकी बॉडी में रिलीज होगा ये किडनी पे काम करता है। एल्डोस्टीरोन कहाँ काम करता है? किडनी पे इसके रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये काम करता है आपकी किडनी के ऊपर। अब ये किडनी पे क्या काम करेगा? किडनी पे दो तरह के फंक्शन करता है ये, वहां से सोडियम एंड वाटर को तो रीएब्जॉर्ब करता है, वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है, और पोटेशियम और हाइड्रोजन को एक्सक्रीट करता है, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन को ये क्या करेगा? एक्सक्रीट करेगा। एक्सक्रीट मतलब अगर आपके शरीर में एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा तो ये किडनी पे काम करेगा, किडनी से जो सोडियम और वाटर रिलीज होना चाहिए था, यूरिन में पास होना, उसको पास होने नहीं देगा, बचा लेगा। तो आपके ब्लड में कहीं ना कहीं आपके ब्लड में सोडियम का लेवल बढ़ेगा, जिसको हाइपर नेट्रमिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये हाइपर नेट्रमिया कोज करेगा कौन? एल्डोस्टेरोन जब बढ़ेगा। दूसरा देखो, सोडियम की प्रॉपर्टी होती है, सोडियम इज वाटर लविंग। ठीक है, सोडियम इज वाटर लविंग। ठीक है, तो जब सोडियम जाएगा तो उसके साथ साथ पानी भी जाएगा, तो पानी बढ़ेगा तो एंड हाइपरवोलेमिया भी हो जाएगा साथ में, क्या कोज करेगा? हाइपरवोलेमिया। तो ये है आपके एल्डोस्टेरोन का फंक्शन। दूसरा, ये एल्डोस्टेरोन पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है, तो पोटेशियम जब बॉडी से एक्सक्रीट होगा, यूरिन में ज्यादा जाएगा, एक्सक्रीट होगा, तो पोटेशियम का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा, जिसको आप हाइपो कैलीमिया बोलते हो, हाइपो कैलीमिया। तो क्या हो जाएगा ब्लड में? हाइपोकैलीमिया हो जाएगा। साथ में हाइड्रोजन आयन को भी एक्सक्रीट करता है, हाइड्रोजन आयन को भी एक्सक्रीट करेगा। तो हाइड्रोजन आयन होते हैं एसिड, और जब आपके शरीर से एसिड का लॉस होता है तो प्रॉब्लम होती है एल्कलोसिस। ठीक है, जब शरीर में एसिड बढ़ता है तो उस प्रॉब्लम को बोलते हैं एसिडोसिस, लेकिन अगर एसिड कम हो जाए तो उसको बोलोगे एल्कलोसिस। एसिड बेस्ड डिस्टरबेंस की आपको दो ही टर्म याद रखनी है, एसिडोसिस और एल्कलोसिस। एसिडोसिस में एसिड बढ़ेगा, एल्कलोसिस में एसिड कम होगा। फिलहाल एच पॉजिटिव आयन जो है वो एसिड नेचर के होते हैं, तो अगर ये बॉडी से एक्सक्रीट होंगे तो कहीं ना कहीं एल्कलोसिस कोर्स करेगा। मेन ये काम होता है सारा एल्डोस्टेरोन का फंक्शन, ये एल्डोस्टेरोन का पूरा फंक्शन है, जो रिलीज होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के मिनोकॉर्टिकोइड्स हार्मोन है, तो ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होंगे। ठीक है, जो ना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज हो। तो अब यही बस क्वेश्चन आ गया समझ में। तो कंजर्व करता है सोडियम और वाटर को, और एक्सक्रीट करता है, प्रमोट करता है एक्सक्रीशन को पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन को। राइट आंसर इज डी। ठीक है, तो निकाल लोगे आराम से। नेक्स्ट, हार्मोन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल मेल रिजेक्शन। बार बार पेपर में क्वेश्चन आया, एनएचएम सीएचओ एमपी वाला जो एग्जाम था उसमें भी आ गया क्वेश्चन, तो ये ऑक्सीटोक्सिन ही आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट, नेम ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन विच सोर्स फॉर न्यूरोफाइसिस हार्मोन। ठीक है, न्यूरोफाइसिस हार्मोन थे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन, जिसमें ऑक्सीटोक्सिन आएगा, और क्या आएगा? ऑक्सीटोक्सिन और एडीएच। लेकिन ये बनते कहाँ से हैं? ये बनते हैं हाइपोथैलेमस से, और बन के कहाँ जाएंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। तो राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस न्यूरोफाइसिस हार्मोन को बनाता है, और ये रिलीज करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भेजेगा, वहां से फिर बॉडी में रिलीज होंगे एडीएच और ऑक्सीटोक्सिन, इनका नाम। ठीक है, एल्डोस्टेरोन सिक्रेटेड बाय डीएसएसबी 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। तो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं एल्डोस्टेरोन, जो मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट, एडाम्स एप्पल इज फॉर्म्ड बाय ईएसआईटी 2019 में क्वेश्चन आया है। देखो, थायराइड थायराइड जो ग्लैंड है उसका जो सबसे सुपीरियर पार्ट है, जो बाहर की तरफ निकला उभरा हुआ हिस्सा, उसको बोलते हैं एडाम्स एप्पल। ये लैरेंजियल प्रोमिनेंस भी इसी को बोलते हैं, और ये थायरॉयड कार्टिलेज के ऊपर बना होता है, थायरॉयड कार्टिलेज का पार्ट है। क्रिकोइड कार्टिलेज यहाँ होते हैं, अदर कार्टिलेज अलग जगह होते हैं, एपिग्लोटिस भी होता है, ये फ्लैप होती है। तो ये थायरॉयड कार्टिलेज का हिस्सा है, इन्होंने यही पूछा किस पार्ट है एडाम्स एप्पल फॉर्म्ड बाय, तो ये थायरॉयड कार्टिलेज का पार्ट है। किसकी बात हो रही है? एडाम्स एप्पल।
जो आपकी नेक पे उभरा हुआ हिस्सा जो नजर आता है, प्रोमिनेंट पार्ट को बोलते हैं डम्स एप्ले, लैरेंजियल प्रोमिनेंस होता है, और ये बेसिकली थायरॉयड कार्टिलेज, जो थायरॉयड ग्लैंड के अंदर जो थायरॉयड कार्टिलेज है उससे बना हुआ है। नेक्स्ट, व्हेन पर्सन बीपी ड्रॉप किडनी रिस्पॉन्ड इस ईएसआईसी 2019 में ये क्वेश्चन आया। देखो ये कि जब भी आपका ब्लड प्रेशर डाउन होता है तो आपकी बॉडी में एक सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसको बोलते हैं रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। और जब भी आपके शरीर में आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो, सबसे पहले किडनी के पास अगर ब्लड का फ्लो कम पहुंचेगा तो किडनी एक हार्मोन रिलीज करेगी रेनिन, ठीक है। जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, ये जो सेल्स होती है किडनी के अंदर, इससे रिलीज होगा रेनिन हार्मोन, और ये रेनिन हार्मोन आपकी लीवर से जो पहले से ही रिलीज एक प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजन, उस पे जाके काम करेगा और ये उसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट, ठीक है। सॉरी, और अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट बन गया, एल्डोस्टीरोन कन्वर्ट होके बन गया, एंजियोटेंसिनोजन क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि रेनिन हार्मोन की जरूरत होती है उसको कन्वर्ट होने के लिए। एंजियोटेंसिन एक प्रोटीन है और रेनिन एक हार्मोन है, ये प्रोटीन आपके ब्लड में अभी सर्कुलेट कर रही है, जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर डाउन होगा वैसे ही किडनी रिलीज करेगी रेनिन, और यह रेनिन जाके इस प्रोटीन के साथ चिपकेगा, इस प्रोटीन को स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट बना देगा। फिर ब्लड के अंदर अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट सर्कुलेट कर रहा है, जैसे ही ये ब्लड लंग्स से पास होगा तो लंग्स की जो ब्लड वेसल्स की जो इनर सेल्स है, इनर एपिथेलियल्स लेयर है, उन लेयर्स के पास एक एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर दे, और फिर ये एंजियोटेंसिन सेकंड आपके बॉडी में अलग अलग हिस्से में काम करके आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। जैसे ये एड्रिनल ग्लैंड पे काम करेगा, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगा, और एल्डोस्टेरोन आपके ब्लड में सोडियम वाटर को रीअब्जॉर्ब करके आपके बीपी को बनाएगा, साथ में एल्डोस्टेरोन आपकी वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो भी आपका बीपी बने, और हार्ट से भी बोलेगा, हार्ट भी ज़्यादा पंप करेगा, तो ये सारे फैक्टर्स कुल मिला के आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे। रास सिस्टम आपकी बॉडी में तब रिलीज होगा तब आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। तो एंटी जो हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं उन ड्रग्स की कैटेगरी में वो कुछ कैटेगरी इस पूरे सिस्टम पे काम करती है, उसमें होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, एस इनिबिटर, जो प्रिल साउंड जिनकी रहेगी, जैसे आपने रेमिप्रिल, एनाप्रिल, इवाप्रिल नाम की जो टैबलेट सुनी है, वो बीपी को कम करने के काम में आती है, वो इस एंजाइम पे काम करती है। अगर ये एंजाइम कम होगा तो बीपी बढ़ेगा नहीं। कुछ एंजियोटेंसिन फर्स्ट पे काम करेगी, सेकंड पे काम करेगी, कुछ रेनिन इनहिबिटर भी होती है, ऐसे अलग अलग सिस्टम पे काम करके रास के आपके ब्लड प्रेशर को डाउन करती है, ठीक है। तो ये भाई मैंने पूरा रास सिस्टम बता दिया। अब अगर आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए तो बीपी क्या करेगी, सॉरी किडनी क्या करेगी, किडनी रिलीज करेगी रेनिन हार्मोन, यही क्वेश्चन आया हुआ था। एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस किडनी नहीं करेगी भाई, ठीक है, तो वो याद रखना। यूरिन आउटपुट कम होना चाहिए, बढ़ेगा नहीं, तो रेनिन हार्मोन आंसर जाएगा फर्स्ट, सिक्रेट रेनिन हार्मोन। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, ये JSS जनकपुरी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, ये 2019 में पेपर हुआ था, उस पेपर में क्वेश्चन था इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है। तो देखिए इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस है, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको बढ़ावा देता है, उसको स्टूमुलेट करता है, और ये रिलीज होता है आपके किडनी से, किडनी के अंदर इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। अगर आपको कोई किडनी की डिजीज हो जाए तो अल्टीमेट आपके शरीर में RBC का लेवल डाउन हो जाएगा ड्यू टू डिक्रीज ऑफ इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, और ये इरिथ्रोपोएटिन नहीं होगा तो आपकी इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस स्टूमुलेट नहीं होगी। इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस होती है रेड बोन मैरो, ठीक है, आपके बोन के अंदर जो स्पेस है उसको बोलते हैं बोन मैरो, और बोन मैरो में रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, वहां से भी जो रेड बोन मैरो उनके अंदर आपके RBC का फॉर्मेशन होता है, जिस प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। इसके फॉर्मेशन के लिए इरिथ्रोपोएटिन चाहिए किडनी रिलीज करे, ठीक है। ये था हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जो मैंने कुछ एनाटॉमिकल पोर्शन इसका कवर किया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, है ना, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।